तो अभी के लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है सब चीज़ों का। और ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास अच्छी खासी गाड़ियाँ आ रही हैं। हैप्पी कस्टमर विल मेक बेटर कमेंट वन डे रिमेनिंग। अच्छा, तो यहाँ पे टाइमिंग दे के रखा है इन लोगों ने। अच्छा ना, मेरे पास एक अच्छी ये वाला वो एयर फ्रेशनर वाला आइटम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने उसको ना वहाँ पे लगा दिया है। इस वजह से हमें एक नया एयर फ्रेशनर मंगाना पड़ेगा। चलो ऑर्डर कर देते हैं। ओके, तो आई थिंक ये कहाँ पे मिलता है, ये रहा $35 का ही है सिर्फ। कैट डेकोरेशन, अरे यार हमारे पास एक कैट भी तो हुआ करती थी, वो कैट किधर है यार? वो मैंने काफी टाइम हो गया मैंने कैट ही नहीं देखी भाई। हेलो, कैट से, कैट की डेकोरेशन से हमें याद आया कि जो हमारा स्टेशन है इसके आसपास ना एक कैट हुआ करती थी। ओ ये तो आ गया। गुड मॉर्निंग। ठीक है यार, एक कैट हुआ करती थी, यहाँ पे अभी कोई कैट नहीं है एट द टाइम, इस टाइम पे तो नहीं दिखाई दे रही कहीं पे भी बेचारी कैट हमें। जो कि दिस बेल इज, ओ दिस बेल नहीं, दिस प्लेस इज वेरी बैड। इतनी गंदी बदबू कर रहा है भाई ये हमारी, ये क्या कर दिया यहाँ पे वर्कर, वर्कर भाई क्या कर दिया तू यार? तेरे को स्मेल इस सब को साफ करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, ना कि मैं खुद से साफ करूँ ये सारी चीजें। अगर मैं खुद से साफ करने लग गया तो तुम्हारा क्या काम मुझे? हाय ओ वर्कर दीदी, तुम्हारा क्या काम फिर हमें? 400 लीटर की कैपेसिटी खत्म हो रही है धीरे धीरे, हम सबर खो रहे हैं धीरे धीरे। इस गाड़ी के दो टायर का पंचर लगाना है हमें, कोई नहीं लगा देते हैं फटाफट जितना जल्दी हो सकता है। यार एक काम और करके देखते हैं, वैसे अभी के लिए तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, कि एक चैलेंज रखते हैं कि पूरी शॉप में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको हायर करके देखते हैं कि वो लोग हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना के देंगे, या फिर क्या होगा हमारे साथ जब हम फुल मैक्स कैपेसिटी में हायर कर लेंगे एम्प्लॉयज़ को, तब हमारे साथ क्या होगा वो चेक करना ज़रूरी हो रहा है, तो उसको ज़रूर से चेक करेंगे। देखो सिर्फ ये तीन कस्टमर जो मैंने रखे हुए हैं इनकी बदौलत मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, और मेरा पानी का बिल नहीं आ रहा क्योंकि मैं पानी का काम नहीं करता। देखो यहाँ पे ब्लू वाली गाड़ी पे दाग अच्छे चमक जाते हैं कि कहाँ पे दाग है, और ये बाकी जो ब्लैक और ब्लू डार्क ब्लू वाला होता है ना गाड़ी, उन पे नहीं चमकते। हेलो मैडम जी, की मॉर्निंग। हाल चाल? आपके मुंह पे मार दो थोड़ा सा ब्रश। चलो खत्म। देखो यार अब ये तो ठीक है, इस पे थोड़ा दिखाई दे जाएगा, पर थोड़ा वैसे दाग होगे ना, मैं दिखाता हूँ अगर इसके ऊपर हुआ दाग कोई, जैसे यहाँ पीछे में दाग होते हैं, ये तो इधर की तरफ खड़ी है तो साफ साफ दाग दिखाई दे रहे हैं, दाग नहीं है ये टोटली, वो दिखाई दे रहा है हमें जंग लगा हुआ, हमें जंग भी साफ कर रहे हैं इसके साथ साथ। मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है इस टाइम पे। ओके, फिर से हमारी टंकी खाली हो रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा हमें पेट्रोल वगैरह लग रहा है, तो ओके। क्यों ना हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दें। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब 640 इसकी टोटल कैपेसिटी हो चुकी है टैंक की, ओके। 640 की कैपेसिटी वाला टैंक अब कितने टाइम चलेगा? हेलो जी, हेलो, की हाल चाल आपके? तो हमारा टैंक आ चुका है जो कि सिर्फ 400 कैपेसिटी का फ्यूल लेके आया है अभी तक। और ये यस,
300 से शुरू हो भी गया है ख़त्म होना। अभी ये देखो यार, गाड़ियाँ चली जाती हैं, ये खाली खाली कौन सा खाली होगा वो चेक कर लेता हूँ, या फिर ये हमारी वर्कर कर रही है या मैं खुद से हमें मैनुअली करना पड़ेगा। आई थिंक ये सफाई का ध्यान तो खुद से रख लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो ये ठीक है भाई, ऐसे वाले जो जिद्दी वाले दाग होते हैं ना, उनको ये अपने स्पंज से साफ करती है, और जिसका ये पैसा भी अच्छा खासा लेती है। अरे मेरे को गाड़ी के ऊपर बैठ के मैं जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता, सॉरी यार। मेरे को करने के लिए तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है, सिर्फ मेरे को मैनेज करना है। अब इसको कुछ ख़त्म हो रहा है तो उस सामान को मंगा के लाना है। शॉप वैसे भी खाली सी पड़ी है, अब शॉप तो खाली खाली होगी भाई, कतई खाली हो चुकी है। अभी की बार एक काम करते हैं, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको होने देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, मैनेजर हायर करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे वो क्या हमें प्रॉफिट बना के देगा और कैसे। ज्यादा हमारा जो नुकसान हो रहा है या फिर हमारा जो भी काम हो रहा है वो हमारा फ्यूल से हो रहा है, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा लग रहा है हमें, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और फ्यूल की कैपेसिटी अगर हमें बढ़ानी है तो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि एक बार में फ्यूल को फुल करने पे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। इतना कुछ हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो हमारा कमाई का साधन सिर्फ फ्यूल, और ये है हमारा शॉप, और ये जो हमारा एक्सपेंस या फिर एक्स्ट्रा मनी जो हमें आती है उसको हम लगा देते हैं इन सब को अपग्रेड करने में, इसको अपग्रेड करने में, यहाँ पे लाइट लगाने में। लाइटें भी लगानी है भाई यहाँ पे काफ़ी सारी, यहाँ पे भी लगानी है, इसके अंदर भी लगानी है। भाई तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो चलो आई थिंक अभी के लिए आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ जब हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, बैलेंस होगा, या फिर बोले तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे होंगे जब उड़ाने के लिए, तब मैं आप लोगों को मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार वालों का, साथ में हमारा भी, और एक लाइक जरूर से कर देना। ओके बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली भाई सबको।